नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी घटना हुई है। अमेठी में राहुल गांधी पर गरजते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है, उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूं, जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है कि वो आज आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटली हिंदू कहा है और कांग्रेस ने उससे भी बड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ, ये बड़ा हमला है योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल हिंदू है और इंटेंशनल भोगी भी है। यानी अब तक का सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने कर दिया है, योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा है और इंटेंशनल भोगी कहा है। यह समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स आपके लिए। यूपी की सियासत में हिंदू और हिंदुत्व पर यह सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है, इसलिए मुझे आर पार की डिबेट का विषय तत्कालीन प्रभाव से बदलना पड़ रहा है। पहले हम चुनाव को कोरोना की चुनौती के मुद्दे पर बहस करने वाले थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है उसके बाद स्वयं योगी बनाम राहुल गांधी बहुत बड़ी खबर हो गई है। पहले मैं आपको इन दोनों के बयान सुनवा देता हूं, वो बयान मेरे पास दोनों तैयार है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी न्यूज 18 पर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है और साथ ही साथ इंटेंशनल भोगी भी कहा गया है कांग्रेस द्वारा। यह अब तक का योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा हमला है। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं, एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होगा। बड़ा हमला किया है। मेरे साथ इस समय बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत है, अनुराग भदौरिया है और शिवम त्यागी है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा, आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले राहुल गांधी को आपने एक्सीडेंटल हिंदू बोला, पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है। देखिए अमीश जी, इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों है? आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है, इसमें किसी प्रकार का संशय या शक क्यों है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो हर दिन सुबह उठते ही हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू कितना खराब है, हिंदुत्व कितना खराब है, ये उनकी प्रकरण आरंभ होती है सुबह से और शाम तक यही प्रकरण चलती रहती है। हिंदुओं को आतंकवादी बोलना, सैफरन टेरर बोलना, और मैं तो कहता हूं दादा थे खान, माता ना माने भगवान श्री राम, एक्सीडेंटल हिंदू क्या समझ गए ना। एक गाना था ना चलती का नाम गाड़ी में, हम थे वो थे और समारंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। इनको लगता था कि ये थे और इनकी तुष्टिकरण की राजनीति थी और इनकी राजनीतिक समाज जो थी ये रंगीन चल रही थी। तुष्टिकरण की राजनीति मोदी जी ने समाप्त कर दी, योगी जी ने समाप्त कर दी, तो अब इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ये जनेऊ कोट के ऊपर पहन रहे हैं, ये हिंदू और हिंदूवादी में एक तरह से फाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप ऑडियो भी अपना दुरुस्त करिए, मैं पीसीआर से भी बोलता हूँ संबित पात्रा के ऑडियो को ठीक करें। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक ये है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली, इसीलिए पलटवार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, मीडिया चीफ भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि इंटेंशनल इच्छा अनुसार भोगी भी है योगी आदित्यनाथ, सिर्फ एक्सीडेंटल योगी नहीं है। देखिए अमीश जी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, योगी आदित्यनाथ योगी हैं या नहीं है, वो भोगी हैं या नहीं है,
ये आप और मैं डिबेट करके सुलझा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की जनता और ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति तरीके से जानती है। मैं आपको एक बहुत मन से बता रहा हूं, आप 4 घंटे का जीवन नरेंद्र मोदी जी की तरह या योगी आदित्यनाथ जी की तरह गुजार के देखिए, गुजार सकते हैं क्या? बिना छुट्टी लिए काम करना, 24 घंटे तत्पर होके काम करना, और भोगी भोगी कौन है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, कहां गए हुए? ये पर्सनल ट्रिप क्या होता है? किसके साथ गए हुए? क्या कर रहे हैं? ये व्हाट इज पर्सनल ट्रिप? आप मुझे बताइए, पर्सनल ट्रिप क्या होता है? कहां है? कभी बैंकॉक, कभी कहीं, कभी कहीं। ये कौन भोगी है और कौन योगी है? ये मुझे टीवी के ऊपर आपको या किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुख लगता है कि भगवा के विरोध में इस प्रकार का जहर उगलना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नैतिकता, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है कि हर दिन भगवा के खिलाफ। आप बताइए, भगवाधारी योगी है वो मठाधीश है, एक मठ, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के संप्रदाय के मठ को चलाते हैं, उसके मठाधीश है। आप उस मठ के मठाधीश को इस प्रकार से भोगी बता रहे हैं? किसी इमाम को, किसी मौलाना को आप बता सकते हैं? जी, हिम्मत जी। है इस राहुल गांधी में या रणदीप सुरजेवाला में किसी मौलाना को या किसी किसी इमाम को बोले कि इस प्रकार का इमाम है, इस प्रकार का मौलाना है? बिल्कुल नहीं। उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे, बिल्कुल पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे। इस समय मेरे साथ के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करें। मेरे साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ यूपी सरकार के भी मंत्री जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन मेरे को कांग्रेस का रिएक्शन लेना है। सुप्रिया श्रीनेत, इंटेंशनल भोगी और एक्सीडेंटल योगी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये एक महंत का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और जो मखौल बना रही है हिंदू धर्म का, पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ रोज सवेरे अखबार खोलो उत्तर प्रदेश में, आधे पन्ने का झूठ का लीपा पोती करते हैं। 5 साल काम किया करा होता तो इस तरह के टुच्चे गली छाप सड़क छाप भाषा ना यूज करनी पड़ती योगी जी को। मेरे गृह क्षेत्र गोरखपुर के पास से आते हैं, इज्जत करती हूं उस मठ की, लेकिन जो मठाधीश होकर वो कर रहे हैं वो गलत है। आप कभी बंगाल का पुल, अमेरिका की सड़कें, वहां का डैम, आंध्र प्रदेश का डैम लगाते हैं, अरे भैया आपने क्या किया है 5 साल, उसका लेखा जोखा दीजिए राज्य सरकार का। वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है। आपके राज्य में लड़कियों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ है, आप देवी के उपासक बनते हैं वो अलग बात है, आप एएनआई के कैमरे के सामने आरती कैमरे की करने लगते हैं। मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगी अमीश जी। पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैठकर हिंदू होने का किसी को भी सर्टिफिकेट ना दे, क्योंकि इनके राज में बांदा में जिंदा गायों को दफन होते हुए देखा गया है। आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग करिए, हिंदू धर्म पर आप कलंक है। जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है वो भी कलंक है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कलंक है। वहां पर गांधी को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, नरसंहार की बात करी जाती है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, भाजपा को एक और चीज छोड़ देनी चाहिए, फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंग छोड़ देना चाहिए। गलवान में चीन घुसकर राष्ट्रगान गा रहा है, गलवान में चीन घुस के झंडा फहरा रहा है, हमारे मुंह में दही जमी हुई है, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और तीसरी बात और अंतिम बात यह कहकर जरूर अपनी बात समाप्त करूंगी, अगर काम किया होता तो बात करते काम की, क्योंकि काम नहीं किया है तो यह घटिया नैरेटिव मत करिए। चला चली की बेला में यह जनता आपको विदा करेगी, लेकिन इतनी फजीहत मत कराइए। एक संविधान है, उसकी शपथ ली है, उसकी थोड़ी सी इज्जत करिए, और यहां पर बैठकर धर्म का और राष्ट्रवाद जी 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 ठीक है ठीक है। लेकिन सुप्रिया जी, आपने बोला योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया हुआ है, उनके उनके शासन में स्थितियां बहुत खराब है, ये तमाम आपने आरोप लगाए, लेकिन एक्सीडेंटल योगी कैसे है योगी आदित्यनाथ? आप कह रही है कि वो जिस मठ से आते हैं उस मठ का आप भी सम्मान करती है, तो उस मठ का सम्मान कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिर्फ सीएम नहीं है, वो एक महंत भी है। उस महंत को कहा गया है कि वो एक्सीडेंटल योगी है और वो इंटेंशनल भोगी है, या ची इच्छा अनुसार भोगी है। भोगी का मतलब आपको ही पता है क्या होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी, और सवाल का मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि उस मठ में मेरी भी आस्था है, उस मठ में मेरी भी आस्था, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। उसका जवाब सिर्फ एक है, जब आप मठ के मठाधीश होते हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं
तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप एक एक शब्द अपना चुनकर बोलिए, आप घटिया और गंदी बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी को हिंदू होने पर तगमा देंगे, अगर आप किसी को हिंदू होने पर सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो दो बातें आपको अपने लिए सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपके राज में देवी स्वरूप लड़कियों का बलात्कार हुआ और आपके लोगों ने उसको ऑनर किलिंग बनाया और कहा रेप नहीं हुआ। आपके राज में गाय जिंदा दफन करी जाती है, लेकिन आपके राज में नरसंहार करने वाले का ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा राज्य में गृह राज्य मंत्री बना हुआ आपके आपके मैं पुराने ट्वीट को देख रहा था। जी 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 संबित पात्रा मैं आपके एक पुराने ट्वीट को देख रहा था जिसमें आपने पंडित नेहरू को कोट किया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने बोला है कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सेड दैट ही वाज क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, यानी वो ईसाई थे पढ़ाई से, मुसलमान थे कल्चर से और ट्रेडिशन से, और हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये आपके पास ये बात जानकारी आपके पास कहां से आई? आपने पंडित नेहरू को अमीश भाई पहले अमीश भाई पहले तो मैं बहुत अदब के साथ बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी योगी जी के लिए किया, टुच्चा गली छाप, मुझे लगता है एक भगवाधारी योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम किसी के लिए नहीं करते। ये टुच्ची बातें, गली छाप, ये कैसे शब्द हैं? ये आप कहते हैं कि आप उस मठ का सम्मान करते हैं, ये मठ का सम्मान है? जिस मठ के महंत का आप सम्मान नहीं करते हैं, जिस मठ के महंत को आप टुच्चा गली छाप कह रहे हैं, उस मठ का ये जो पूरा फर्जी गांधी परिवार है ना, नेहरू से लेकर सोनिया जी तक, ये फर्जी परिवार, ये कभी हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करती है। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को गौण समझा, हमेशा किसी भी कीमत पर हिंदुओं के आधार पर, हिंदुओं के कीमत पर तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने चेष्टा की है। राहुल गांधी ने तो यूएस के एम्बेसडर को 2010 में विकीलीक्स में आया है, कहा है कि नहीं, हमें इस्लाम के आतंकवाद से कोई डर नहीं है, पूरे विश्व को खतरा है तो हिंदू आतंकवाद से खतरा है। 26/11 आरएसएस की साजिश आप याद करिए, मालेगांव ब्लास्ट का अभी सच्चाई सामने आया है, किस प्रकार से हिंदुओं को फंसाने की साजिश, किस प्रकार से शब्बीर को बचाने की कोशिश, और तो और समझौता ब्लास्ट में किस प्रकार से आरिफ कासमानी, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर था, यूएस और यूएन ने जिसको कहा कि ये एलईटी का कॉन्स्पिरेटर था जिसने समझौता ब्लास्ट किया, उसको बचा करके भगवाधारी लोगों को फंसाने की साजिश इस परिवार ने किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह परिवार हिंदुओं का। और देखिए ढोंग की बात, ढोंगी कौन है ये हर कोई जानता है। आप बताइए, ये प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गई हैं, प्रियंका वाड्रा को मैंने देखा है मंदिर में चुनाव से पहले जाकर इस प्रकार से पूजा करती हैं, जिस प्रकार मैं तो 3 दिन तक सोचता रहा ये राधे माँ है कि प्रियंका वाड्रा है, मतलब ढोंगी के ये परम ढोंगी हैं, कभी किसी वस्त्र में, कभी किसी रंग में, ये जाके जिस प्रकार से ध्यान तपस्या करने की ढोंग करते हैं, ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। और पूरा भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर 2019 तक इसकी कंस्ट्रक्शन तक आरंभ नहीं हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाने वाले, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ खड़े होकर वहां हिंदुओं के ऊपर नरसंहार करवाने वाले, 1984 में हिंदू सिखों के ऊपर, मतलब सिखों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर नरसंहार करवाने वाले, यहां पर हिंदू वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू ना कहा जाता। एक सेकंड, सम्मित वाणी को विराम दीजिए, सम्मित देखिए 15 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। वो कहते हैं अगर राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू ना कहा जाता तो हम ये बात नहीं बोलते। एक सेकंड सुप्रिया जी, 15 सेकंड और। देखिए मैं एक सिंपल सवाल आज पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी मैंने आपको कहा दादा है खान, माता नहीं मानती भगवान श्री राम, तो ये पोता कैसे हिंदू बन गया? आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे बताइए कैसे। दादाजी बहुत आदर के साथ, देखिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, आदरणीय दादाजी का इलाहाबाद में कब्र है, मैंने फोटो देखा है, आप भी गूगल करके फोटो देख सकते हैं, कब्रिस्तान में दादा सिमेट्री लिखा है, और ये कैसे कौल ब्राह्मण बन गए, ये कैसे कौल ब्राह्मण बन गए, आप मुझे बताइए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ और अदब से पूछ रहा हूँ, ये अधिकार है क्योंकि राहुल गांधी एक एमपी है, कहाँ है राहुल गांधी? ठीक है सुप्रिया जवाब दे, राहुल गांधी सुप्रिया राहुल गांधी कहाँ है और उन्होंने बाकी भी अपनी बात को रखा, सुप्रिया जवाब। मैं दो चीजें कहूंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक से पढ़कर जो गंदा काम आपके दो रुपल्ली के ट्रोल करते हैं वो टीवी पे आके मत करना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो आपके लोग फैलाते हैं वो टीवी पे आके फैलाओगे तो मुंह की खा के जाओगे। राहुल गांधी के दादा एक पारसी थे, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी पारसी है,
वैसे ही राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे और इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी। इसको समझने में कौन सी बुद्धि चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आकर फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और फेसबुक का ज्ञान कौल ब्राह्मण। आपके यहां शायद औरतों की इतनी इज्जत ना हो, चुप रहो अब तुम मेरी बात सुनो, आपके यहाँ शायद औरतों की इतनी इज्जत ना हो, हमारे यहाँ औरतों की इतनी इज्जत है कि हम औरतों का नाम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, औरतों की इज्जत कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, अमीर जी इनको चुप करेंगे आप? चुप रहो तुम, व्हाट इज चुप रहो तुम? आप पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी महिला की तरह व्यवहार करिए। ये मेरा निवेदन है, एक एक करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपने योगी जी को टुच्छा कह दिया। गली छाप कह दिया गया, आप बताइए आपकी भाषा को और आपके इस तरीके को क्या कहा जाएगा मैडम, क्या कहा जाएगा? आप हमेशा चुप रहो तुम, बैठ जाओ, ये किस प्रकार की भाषा है? मैंने तो आपके पीछे कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी। मैंने एक एक करके अब अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन है एक सेकंड मेरा निवेदन है, संबित आपका ऑब्जेक्शन, संबित देखिए सुप्रिया जी, आपने इनको बोला कि आप चुप रहो तो उनको ऑब्जेक्शन होगी, आप अपने विषय को रखिए और मर्यादित ढंग से आप दोनों रखिए, ये मेरा निवेदन है। मैं मर्यादा में ही रहता हूँ, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूँ मैं किसी को, तू तड़ाक नहीं करता हूँ, और इनको भी वार्निंग दीजिए जी। मेरा देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए महिला की तरह व्यवहार करें जी। देखिए जी जी, सुप्रिया आप अपनी बात को रख लीजिए, उसके बाद में संबित आपको मौका दूंगा। सुप्रिया पहले यू मेक योर पॉइंट, देखिए आप भी जानती है हमारा विषय क्या था, और क्योंकि ये ब्रेकिंग स्टोरी है, रणदीप सुरजेवाला ने योगी आदित्यनाथ पर जो टिप्पणी की उसके बाद ये पॉइंट हो गया, आप अपनी बात को रखिए। मैं बीच में नहीं बोली थी, ये मेरे बीच में ना बोले, एज सिंपल एज दैट। आपने मुझे शो पर बुलाया है, बोलने का मौका, आप अपनी बात को रखिए ना सुप्रिया, अन्यथा आप शो कर लीजिए, तो अब आप मुझे बोलने दीजिए। जब वो बीच में बोलते हैं उनका फेडर डाउन करिए, जैसे आप मेरा फेडर डाउन करते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, यहां पर आकर फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए। राहुल गांधी के दादा एक पारसी थे, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी पारसी हैं, वैसे ही इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी। हमारे यहां हमारे शास्त्रों में मां को देवी का दर्जा दिया जाता है, अगर कोई उनको फॉलो करना चाहता है इसमें किसी को क्या आपत्ति है, यह मैं जरूर पूछना चाहती हूं। अब मैं आगे की बात करूंगी, योगी जी की बात, ये बैठकर सबको सर्टिफिकेट देंगे, राष्ट्रीयता पर देंगे, धर्म पर देंगे, हिंदू होने ना होने पर देंगे, अगर कोई इनको कह देगा तो बड़े आग बबूला हो जाएंगे। आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप सबको धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरिए? आपको किसने अधिकार दिया आप राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते फिरिए? आपको हक ही नहीं है, क्योंकि आपके राज में तो लाशें तैरती हुई गंगा में दिखी है, आपके राज में गलवान में चीन घुसा हुआ है, ठीक है, आपने ये विषय को रखा गलवान वाले को, वह राज्य मंत्री बना हुआ जिसके लड़के ने नरसंहार किया है जी। और एक मिनट, सतपाल मलिक जी ने तो मोदी जी की बकिया उधेर कर रख दी है, उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा ये किसान मेरे लिए थोड़ी मरे, अमित शाह जी ने कहा इनकी बुद्धि खा गए लोग, ये बातें तो दिल्ली दरबार की है और हम नहीं, ये तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं, इनका असली मुखौटा तो सामने आ रहा है जी जी जी। सभी पात्र हर विषय पर जवाब देंगे, मोदी जी कहते हैं मेरी बुद्धि थोड़ी मरे, अमित शाह जी कहते हैं इनकी अकल खा गई, अकल मार ली लोगों ने, ठीक है, सतपाल मलिक के विषय पे बोला, सतपाल मलिक पर सभी पात्र जवाब दे देंगे, ओके सभी पात्र जवाब दूंगा। अगर ये तो बीच में नहीं बोलती हैं, ठीक है ठीक है, अब आप सुप्रिया आप अपने अपने वक्तव्य को रख लिया, अब आप शांत रहिए। संबित जी आप बोलिए। देखिए मुझे अमीश भाई, मैं बिल्कुल गुस्से में और अहंकार में नहीं, शांति से बात करूंगा। अमीश भाई, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी और माँ तो भगवती समान होती ही है, माँ तो दुर्गा समान होती है, इसलिए राहुल गांधी ब्राह्मण बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं। क्यों? सोनिया गांधी भगवती समान नहीं है, एंटोनियो माइनो जी भगवान की जैसी नहीं है, वो दुर्गा माँ नहीं है। क्यों? सोनिया जी का धर्म तो अपनाया नहीं, सोनिया जी इटली से आई तो वो बन गई कौल ब्राह्मण, इंदिरा जी कौल ब्राह्मण बन गई थी तो ये राहुल गांधी और राजीव गांधी बन गए कौल ब्राह्मण, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मुझे समझ में नहीं आया। इंदिरा जी भगवती और सोनिया गांधी जी भगवती नहीं, ये जो अपॉर्चुनिस्टिक राजनेता है ना, कभी हिंदू बन जाओ, कभी मुस्लिम बन जाओ, कभी क्रिश्चियन बन जाओ, ये किसी के नहीं है जी। ये फर्जी चाइनीज गांधी फैमिली इसलिए क्योंकि इनका कोई गारंटी नहीं है, जो चाइनीज बल्ब होता है ना वो दो दिन में फ्यूज होता है, कोई गारंटी नहीं है, ये चाइनीज गांधी फैमिली है, कोई गारंटी नहीं है इनका, इनका धर्म का भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने अभी बहुत सारे आक्षेप लगाए हैं,
आज जो विषय है हम उसी पे बात करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मुझे खुशी हो रही है, ये हिंदू बनने की जो होड़ लगी है ना, इन सभी लोगों में हिंदू बनने की होड़ लगी है। कोई भगवान परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहा है, कोई बोल रहा है देखो मैं तो किसी भी कीमत पे हिंदू हूं, मुझे सर्टिफिकेट ना दिया जाए, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अमीश जी, मैंने बार बार पूछा, राहुल गांधी एक एमपी हैं, यहां भोगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं जानना चाहूंगा एज अ जनता कि राहुल गांधी अभी कहां है, क्या करने कहां गए, भोगी कौन होता है। देखिए यहां मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी जहां भी जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ कहां है, अभी कहां है, अभी आ हर कोई बता सकता है कहां पे है। मुझे बताइए ये 15 दिन तक राहुल गांधी कहां रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे, क्या करने गए हैं, इसका उत्तर चाहिए मुझे, मुझे बिल्कुल इसका उत्तर चाहिए। राहुल गांधी कहां है, बीजेपी ये पूछ रही है कि राहुल गांधी कहां पर है, बैंकॉक में है, कहां है बताइए। ठीक ठीक, जवाब ले लेते हैं सुप्रिया। मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर हिंदू धर्म के अनुयायी होते तो शादी को और विवाह जैसे दाम्पत्य सूत्र के पवित्र संबंध को समझते। एक औरत की डोली घर आती है और अर्थी वहां से निकलती है, और एक शादीशुदा औरत ब्याहता होने के नाते कहती हूं, जिस आदमी के नाम का सिंदूर आप मांग में भर लेती है उसी के नाम से जानी जाती है, आप आत्मसात उसके परिवार को, उसकी संस्कृति को, उसके घर को कर लेती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विवाह के बारे में क्या जाने, और उनके भक्त यहां पे बैठकर विवाह के बारे में क्या जाने, वो क्या जाने कि एक औरत का मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनने का क्या मतलब होता है। इसलिए यहां पर ऊट पटांग, गंदी जलील बातें करते हैं ये लोग दाम्पत्य सूत्रों को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कभी निभाया ही नहीं है। आप राहुल गांधी कहां है पूछ रहे, सारा देश पूछ रहा था मोदी जी कहां है, जब कोरोना का त्राहिमाम मचा था, जब किसान 700 शहीद हो रहे थे, जब गलवान में चीन बैठा हुआ है, जब सतपाल मलिक कह रहे हैं बहुत आरोगेंट है, सारा देश पूछ रहा है मोदी जी कहां है, जब गांधी जी को मां बहन की गाली आपके लोग दे रहे हैं और आपकी सरकार निष्क्रिय होकर बैठी हुई है, तमाशबीन बने हुए हैं उत्तराखंड सरकार, और मोदी जी के मुंह पर चुप्पी और मौन ताला लगा हुआ है। सारा देश जानना चाहता है कहां है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हमारे राष्ट्रपिता पर देखिए जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, एक त्रुटि को मैं सुधार देता हूं, जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए उस वो रायपुर में बोले गए, रायपुर में आपका शासन है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बोले गए वो कालीचरण महाराज ने बोले, कालीचरण महाराज इस समय जेल के अंदर है। वेरी गुड अमीश जी, वेरी गुड अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मैं साधुवाद करती हूँ भूपेश बघेल का, जिसने कालीचरण को जेल में डाला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सारे वीडियो देखे हैं हरिद्वार के, और वहां पर गांधी जी को गंदी गालियां दी गई, पूजा शकुन पांडे ने दी, यति नरसिंहानंद ने दी, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका जी जी बिल्कुल ये गलत है, लेकिन ठीक है, समित पात्रा इसका जवाब देंगे। ठीक है संबित पात्रा, हमारे देश के, ठीक है ओके मेरा निवेदन है एक एक करके हर विषय पर आया जाए। ठीक जी, देखिए अमीश जी, मैंने बहुत लॉजिकल सवाल पूछा था, बड़े आदर के साथ पूछा था कि इंदिरा जी तो भगवती समान है, अभी इन्होंने कहा कि अगर एक महिला है उसने आदमी के नाम का मांग भरती है वो तो आदमी के सब गोत्र की और धर्म की हो जाती है, तो इंदिरा जी ने भी तो फिरोज जी से खान साहब शादी की थी, और एंटोनियो जी ने शादी की राजीव गांधी जी से, तो ये अलग मापदंड नहीं हो सकते। और दूसरी बात, इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है, हाँ राहुल गांधी तो बहुत जानते हैं, ये फिर बीच में चिल्लाएंगे, जरा एक फिर से चिल्लाएंगी अमित शाह, ये ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ, अभी आप बोल रही थी से मैं बात कर लू। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने ब्याहता क्या होती है, मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है, मोदी जी क्या होता है, क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है, क्यों राहुल गांधी इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं राहुल गांधी, मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, राहुल गांधी इसके कितने बड़े विद्वान हैं, तभी तो पूछ रहा हूं, बता देना कहां पे हैं, बता दे कहां पे हैं, क्यों मुंह खुलवाते हैं, बता देना ये मांग भरना क्या होता है, मंगल, इनको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को पता है ये सब, मांग भरना क्या होता है, मंगल सूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, नहीं नहीं मैं मोदी जी के कहा, चर्चा का विषय नहीं है, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं,
इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री क्या जाने भी आता जीवन क्या होता है, मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है, यही शब्द का प्रयोग था कांग्रेस की प्रवक्ता का। तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर राहुल गांधी ये सब जानते हैं तो बता दे कहाँ पे है, और ये जानने का अधिकार हमारा है बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है, इसलिए इस विषय में जानने का अधिकार पूरे देश को है कि वो 20 दिन तक अगर गायब हैं तो कहाँ है, किस देश में है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विषय एक्सीडेंटल हिंदू का था, लेकिन ये अब मोदी जी पर और फिर राहुल गांधी के राहुल गांधी के विदेश दौरे पर, इस पर तो समझ पाता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला है कि वो पर्सनल ट्रिप पे बाहर गए हुए, ये मैं जानना चाहती हूँ। पर्सनल ट्रिप पे ये नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, राहुल गांधी का विधायक है, मोदी जी का क्या स्टेटस है, मैं जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो क्या विषय पर हम लेकर आ रहे हैं। विदुर है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है, विवाहित है, क्या है वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेरा निवेदन है कुछ चीजें पर्सनल चीजें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप करिएगा तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए जो जी, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों से निवेदन, एक सेकंड संबित, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड आपने भी देखिए, मुझे लगता है कि बहस के अंदर एक हम मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें बहुत जरूरी है। मैं आप दोनों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, संबित पात्रा जो विषय हम विषय पर रहते हैं, देखिए आज क्योंकि ये विषय कोरोना था और कोरोना के चलते जो चुनावों को चुनौती मिल रही है वो था, लेकिन ये रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया तो हमने शुरुआत में इस पर चर्चा करी है। मैं चाहता हूँ वापस हम मुद्दे पर आएंगे। संबित पात्रा, 10 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। देखिए अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, भाषा का मर्यादा सोच की मर्यादा होनी चाहिए, कभी भी हमने उसका उल्लंघन नहीं किया, मगर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कि बताए वो क्या जाने बिहता का दुख क्या होता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। और देखिए दूसरा प्रश्न, भोगी, एक इतने बड़े महंत, इतने बड़े मठ के महंत को आपने इंटेंशनल भोगी कहा। देखिए अमीश भाई, ये छोटा विषय नहीं है, आप जानते हैं ये जो नाथ संप्रदाय और इतना बड़ा संप्रदाय है उसके मठाधीश को आपने इस प्रकार से भोगी कह देना कि वो इंटेंशनल भोगी है, इसका एक पूरा ग्लोबल रिपरकशन होता है। देखिए इन लोगों ने अपने जीवन में सैक्रिफाइस, इन्होंने अपने जीवन में बलिदान देखा है, ये ऐसे नहीं बनते हैं सब कुछ। देखिए बलिदान देके आप उनको अगर भोगी कहेंगे तो मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं पूछूंगा कि आप कहां पे हैं, क्यों नहीं पूछूंगा। पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है अमीश भाई, आप एक एंकर हैं, आप भी कहीं जाएंगे तो पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है, आपकी संस्था आपसे पूछेगी आप कहां जा रहे हैं। एक आर्मी का जवान पर्सनल ट्रिप में नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पर्सनल ट्रिप में जाएगा तो उसका डिटेल देश को बताना पड़ता है। सुप्रिया 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 सुप्रिया, 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 सुप्रिया जवाब, सुप्रिया जवाब दे रहा, मैं आपको लेके आ रहा हूँ, शिवम और अनुराग आपको लेके आ रहा हूँ जी। सुप्रिया जवाब, राहुल गांधी जी कहाँ है, बीजेपी बार बार यही सवाल पूछ रही है, वो कह रहे पर्सनल ट्रिप क्या होता है, मैं एक सवाल पूछूंगी। राहुल गांधी जी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए एक आदमी ने जो उन्हीं के साथ कहा है, उन्होंने कहा था मेरे लिए थोड़ी मर रहे, तो मोदी जी को क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गलवान में चीन झंडा फहरा रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है, मोदी जी कहां है। कोरोना हमारी तीसरी लहर दरवाजे पर खड़ी है, वैक्सीन की घोर कमी है, मोदी जी कहां है। कोरोना किसानों की शहादत हो जी, 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 जवाब नहीं है, मोदी जी कहां है भाई, ये बताइए मुझे। देखिए आप उनके रिएक्शन लीजिएगा तो आपको मेरा भी लेना पड़ेगा अमीश जी, ये याद रखिएगा। अमीश भाई आप इनका भी ले लेना, मगर मेरा तो अभी पैर ले लो। हाँ आप ले लेना इनका भी, मगर अमीश भाई सबसे बड़ी बात है कि देखिए उत्तर नहीं है इनके पास, इसलिए बताओ मोदी जी कहाँ है। मोदी जी मैं तो बता रहा हूँ, कल मणिपुर आइए, मोदी जी यहाँ पहुंच रहे हैं 10:30 बजे, आप आइए, स्वागत है आपका। मोदी जी यहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ है। नहीं नहीं मैडम, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए मैडम, आप भी जानते हैं मैडम कि मोदी जी कहाँ है, और देश भी जानता है मोदी जी कहाँ है, देश भी जानता है योगी जी कहाँ है, अमित शाह जी कहाँ है, हर कोई जानता है कि वो कहाँ कहाँ है, आज कहाँ कहाँ रैलियाँ हुई। इसलिए आप यहाँ पर ना हम लोगों को भटकाने की कोशिश मत करिए, हिंदुओं पे डिबेट हो रहा है। और अमीश भाई अमीश भाई एक बात बता दूं, आज इन लोगों को इस प्रकार का सबक सीखने को मिला है, इसलिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का,
धन्यवाद मोदी जी, ये वो लोग जो इफ्तार पार्टी मना बना के थकते नहीं थे, भगवान राम जी को अनर्गल कहते थे, समय 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 मेरे बीच में बोलने लगते हो आप, ठीक ठीक मैं तो किसी के भाई राम अमित जी से बोलते हैं, ये बोलते हैं कि किसी के बीच में नहीं बोलती है, सबके बीच में चिल्लाती है, इतनी उत्तेजित चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम्प्लीट कर लो फिर बोल लीजिएगा। देखिए अमीश भाई, मैं ये जो लोग भगवान राम के खिलाफ थे, ये जो लोग राम जी के मंदिर के कंस्ट्रक्शन ना हो उसके लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, आज इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड जो खुशी दिल को मिलती है ना, ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रिया, देखिए मैं अब आपके पास लौट के वापस आऊंगा, अनुराग भदौरिया मेरे साथ काफी देर से बने हुए हैं, अच्छा ठीक है 10 सेकंड मैंने आपको दिए, देखिए आप बार बार ये लॉजिक दे रही है कि नरेंद्र मोदी का, सबको पता है नरेंद्र मोदी क्या बैठक कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कहाँ रैली करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ अमित शाह जा रहे हैं, कहाँ जगत प्रकाश नड्डा जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये बात अगर राहुल गांधी कहीं ट्रिप पे भी गए हैं तो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रही है, आपको मुंह बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। आपने अपना न्यू ईयर्स पे क्या किया, क्या मैं आपसे नेशनल टीवी पर पूछूं? हाँ मैं घर पे था। आप भी सार्वजनिक व्यक्ति हैं, आप एक एंकर हैं, मैं तो घर पे था, मैं बोल रहा हूँ। एक प्राइवेसी होती है, एक मिनट अमीश जी वो बात छोड़िए, अमीश जी मेरी कुछ और बात है, 10 सेकंड में सुन लीजिए। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग करा रहे हो अयोध्या में, आपके मेयर से लेके आपके एमएलए तक प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, माँ सीता के नाम पर आपने कहा कोई थी नहीं सीता, और पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए इनके मंत्री ने कहा था जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा, मैं कहती तो हूँ ये औरतों का महिलाओं का सम्मान ही नहीं, ठीक है मैडम आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अनुराग देखिए टॉपिक आप ही जान रहे हैं क्या हो गया, अनुराग आपको मेरी आवाज मिल रही है, अनुराग जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो बात बोली गई है एक्सीडेंटल योगी है और इंटेंशनल भोगी है, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है, समाजवादी पार्टी इस बयान का सपोर्ट करती है? नहीं, सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा से हाथ जोड़ के निवेदन करता, उत्तर प्रदेश के मंत्री को कहीं से टिकट दिलवा दो, वो परेशान है, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमको किसी टिकट ही नहीं देगी, वो मथुरा जाते हैं वहाँ टिकट की गुहार लगाने लगते हैं, अयोध्या में लगाने लगते हैं, काशी में भी लगा रहे हैं, लखनऊ से देंगे, कहाँ से देंगे, उनको टिकट दे दो, कम से कम उनको पता तो चल जाए टिकट कहाँ से उनको मिलेगी, वो परेशान, उन्हें पता है अगर हम विधायक नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी वैसी हमको निकाल देगी, क्योंकि केंद्र का और राज्य का झगड़ा बहुत तेज है, तो उनको बहुत डर लग रहा है कि उन्हें विधायक बनना बहुत जरूरी है, वो सेफ सीट खोज रहे हैं, कोई उनको दे दो पहले सीट दे दो तो उनका थोड़ा दिमाग भी शांत होगा, तो कम से कम अच्छी बातें करेंगे, अगर दिमाग उनका शांत है नहीं, वो क्या बोलना है क्या बोल जा रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है। मैं तो एक उत्तर अच्छा, प्रदेश की मां की बात कर रहा हूं, योगी जी को तो नहीं पता लग रहा, ये जो कांग्रेस ने रिएक्शन दिया आप इसके पक्ष में खड़े हैं? अरे सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश और देश की मां की चिंता बता रहा हूं आपको, उसको चिंता क्या है पता आपको, एक मां सो नहीं पा रही है क्योंकि उसका बेटा बेरोजगार है, एक माँ सो नहीं पा रही है क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत आबरू उसकी सुरक्षित नहीं है, बेटी की माँ सो नहीं पा रही, उसे चिंता है कि उसकी बेटी के लिए फीस, उसके पास पैसे नहीं है कि फीस जमा कर दे स्कूल में, उस बात की चिंता से परेशान है कि उसकी बेटी का सिंदूर उजड़ गया है कि जिस तरह से किसान रोंदे गए, एक माँ की चिंता है कि बेवजह उसका बेटा मारा जा रहा है जिस तरह से लखीमपुर में, जिस तरह से गोरखपुर मारा गया और जिस तरह विवेक तिवारी लखनऊ मारा गया, एक माँ की चिंता सोचिए, एक माँ रात में सो नहीं पाती है क्योंकि इस बात का उसको डर हमेशा लगा रहता है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर क्या बेरोजगारी रह जाएगा, इस बात की चिंता उसकी माँ को है, क्या माँ की चिंता इन लोगों को नहीं होती जो यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने बैठे कि एक माँ सो नहीं पा रही है, एक हमारी देश की उत्तर प्रदेश की माँ वो अपना बेटा बेटियों को लेकर इनसिक्योर है कि कौन आएगा कब चीरहरण कर देगा मेरा बेटी का, कौन आएगा कब हथरस जैसा कांड करके चला जाएगा, कौन आएगा जब उन्नाव जैसा कांड कर देगा मेरे बेटी के साथ, सोचो आप ये हालत हो गई है, बेटियों के लिए परेशान, बेटे को सुरक्षित नहीं दे पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, हम तो कह रहे हैं देश की मां परेशान है, उत्तर प्रदेश की मां परेशान है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, इनका माँ का क्या करें, माँ को कैसे शांति देंगे इसके बारे में बात नहीं करते, आधे घंटे से संबित पात्रा दुनिया की बातें बता रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की माँ की बात करो ना, देश की माँ की बात करो ना, कि उनका बेटा कब सुरक्षित होगा, उनकी बेटी कब सुरक्षित होगी, कब उनको न्याय मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा, कब पैरों पे खड़े होंगे। आपने योगी के बयान पर बोला, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोला, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर आपकी क्या राय है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड का वक्त है आपके। भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश के देखिए कांग्रेस का बयान है उससे हम क्या, उनका अपनी बात है लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, मेरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेलियर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है,
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को पीछे लेके चले गए। 5 सालों में उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ समाजवादी के काम का किया हुआ फीता काटा, नाम और नंबर बदला है। योगी आदित्यनाथ परेशान है, वो टिकट के चक्कर में सपा ये कह रही है। देखिए, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की माँ परेशान है, हिंदुस्तान की माँ परेशान है, शांति से, उत्तर प्रदेश की माँ परेशान, हिंदुस्तान की माँ परेशान, पूरे विश्व की माँ परेशान, नहीं नहीं, केवल केवल राहुल गांधी की माँ परेशान है और कोई माँ परेशान नहीं है उत्तर प्रदेश की, विश्व की आप चिंता करो। मैं बता दूं आपको, केवल राहुल गांधी की माँ परेशान है। अरे आओ जरा जमीन पे उतरो, जमीन पे आओ तब दिखाएं आपको माँ की हालत क्या है। कभी देखा आपने किसान रोने गए जिनका उस पूरा बोलने पहले ये पूरा बोलने पे मैं बोलूं क्या हुआ है? नहीं, एक मैं अपने विषय पर लौटता हूँ। देखिए देखिए, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल आप कह रहे अनुराग भाई की योगी आदित्यनाथ से सब परेशान है। एक सेकंड अनुराग जी, शिवम त्यागी, अनुराग गुदरिया, शिवम त्यागी, अनुराग गुदरिया, एक सेकंड, आपको राजनीति करनी आपको माँ के दर से मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सत्ता चाहिए। अनुराग, आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि लोगों का हजूम आ रहा है, क्या अखिलेश यादव की रैली में इतनी आ रही है कि बीजेपी घबरा गई है, अखिलेश यादव के कार्यक्रम में लोग ज्यादा आ रहे हैं? बीजेपी परेशान, मतलब थोड़ी बहुत परेशान नहीं है, उनको नींद और पेट में घबराहट, उनके पेट में गुलबुले छूट रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हैं, जो नहीं बोलना वो भी बोल जा रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि हम कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं, की तो मतलब नहीं आप कह रहे कि एक एक करके अनुराग जी, आप ये मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है, इतनी लोगों का हजूम आ रहा है, जो मैं आपकी बाइट सुन रहा था, मैं वो बाइट आपको सुना भी देता हूँ जो आप कह रहे थे, एक बार मैं आपकी बाइट सुनाता हूँ। आप कह रहे इतनी भीड़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान हुई हुई है, यही कारण है ना? बिल्कुल, तो भीड़ आपके यहाँ ज्यादा आ रही है, परेशान मतलब उनको उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है किस बार योगी जी का बोरा बिस्तर सीमेंट देना है, वापस उनको वहीं भेज देना है। भीड़ ज्यादा आ रही, अरे सुनिए तो सही, तो आप कह रहे हैं आपकी रैली में भीड़ बहुत आ रही है, हुजूम, भीड़ अलग चीज होती है, भीड़ नहीं हुजूम, जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश की जनता दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी को उठाए हुए हैं। एक बात बताइए, ये भागे भागे घूम रहे सरकारी खर्चे पे, ये अनुराग जी एक बार बताइए, ये जो हजूम आ रहा है, ये जो हजूम आ रहा है, ये कोविड फ्री हजूम आ रहा है सारा, इनको कोविड नहीं हो सकता, जो बाकी पार्टियों की रैलियों में लोग आ रहे हैं उन्हीं को कोविड हो सकता है सिर्फ, यानी जो प्रियंका गांधी की रैली में लोग आते हैं उनको कोविड हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं, अमित शाह की आते हैं, योगी आदित्यनाथ की आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा की रैली में लोग आते हैं, उन्हीं को कोविड हो सकता है बस? तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी योगी जी क्यों रैली कर रहे हैं भाई, मोदी जी रैली क्यों कर रहे हैं भाई, वो तो मार्गदर्शक है देश के, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी है, अब उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन बनानी चाहिए कि सारी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप रैलियां करो यहाँ पे, और रैलियां कर करके आप यहाँ भीड़ इकट्ठी करो, जब हमारा भीड़ ज्यादा हो जाए तो आप उसमें तो मतलब आप कह रहे हो कि अरे जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, जिम्मेदारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप वैक्सीन भी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे, नहीं सरकार गाइडलाइन बनाए ना, अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, माने सरकार कुछ है ही नहीं, माने सारी विपक्ष, माने नौकरी देना भी विपक्ष की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था बनाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी, व्यवस्था ठीक करना विपक्ष की जिम्मेदारी, शिवम त्यागी विपक्ष की कोई जिम्मेदारी है? विपक्ष तो रैली करेगा, ये जिम्मेदारी, ये कोविड तभी फैलता है जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जब योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, जब बीजेपी की रैली में कोविड फैल रहा है, बाकी रैली में कोविड नहीं फैल रहा है। अमित जी 10-10 सेकंड में छोटे छोटे जवाब देकर कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी मना रहे हैं बैंकॉक में छुट्टी, और न्यूज चैनल पर कांग्रेस पिला रही है बैठकर विवाह की घुट्टी, विवाह बैंकॉक, कोई कॉम्बिनेशन है क्या? मतलब कांग्रेस जो है 100 मीटर की दौड़ में हिंदुत्ववादी बनने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इस देश के जो नंबर वन धावक है ना उनको भी पीछे छोड़ दिया, इतने बड़े हिंदू। मेरे विषय पे जवाब दीजिए ना, ऐसे हिंदुओं नवरात्र कहीं मनाते दिखाई नहीं देते,
और अब दूसरा, इन्होंने कहा कोरोना की जो आपने बात कही, मैं कहता हूं कोरोना हर जगह है देश में। जब एक चीज बताइए, इसी देश में कोरोना पर भूपेश बघेल जी खड़े होकर कहते हैं कि सुनिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव पीछे करना चाहती है, इसी देश में खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं पीछे करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसी देश में 7 दिन पहले सीताराम येचुरी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टपोन करना चाहती है। मतलब आप तय कर लो कि आपको करना क्या है, आप रैली करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, कोरोना है कोरोना नहीं है, भैया तय तो कर लो। और लास्ट में अनुराग को एक जवाब अनुराग जी को और देना चाहता हूं, सुनिए, धरती से लेके आकाश के बीच में भगवाधारी जहां से भी चुनाव लड़ेगा जीत जाएगा। 2019 में एक इनोवा कार में आ गई ये सारी पार्टी आपकी, 2014 में आए थे एक भगवाधारी, देखा ना क्या हाल किया, 2017 देखा, 19 देखा, अभी भी डर नहीं लगता क्या भगवा वालों से? और ये कैसी बात है कि मैं मठ का सम्मान करती हूं मठाधीश का नहीं करती? मतलब ये तो वही बात हो गई राहुल गांधी वाली कि मैं हिंदू का सम्मान करता हूं हिंदुत्व का नहीं। ये अपने आप में हिंदुत्व का अपमान, एक संत का अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान, आप दोनों विषयों को मिला रहे हैं। लेकिन अभी मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो कि कोरोना है। क्या आपको लगता है, और मैं चाहता हूं इसमें सब पार्टियां जो है वो जिम्मेदारी से जवाब दे। देखिए मुझे नहीं लगता इसमें हवाई लफाजी का कोई फायदा होगा। जो बात अनुराग भदौरिया ने बोली, संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीवास्तव, आप दोनों नेशनल पार्टीज हैं, आप दोनों सरकारें चला रहे हैं। चलिए अनुराग भदौरिया की तो इस समय कहीं सरकार नहीं चल रही है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की होती है कोविड के अंदर? सुप्रिया श्रीवास्तव, मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जाती हूं जहां से बात करती हूं मैं कहती हूं जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। लेकिन हां, अब मुझे हस्तक्षेप मत करिएगा, मैं 4 फिगर्स आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं ऐसी घटिया कविता और जबानी जमा खर्च में यकीन नहीं करती हूं, कविता तो थोड़ी अच्छी पढ़ो भैया। 84 करोड़ लोगों को इस देश में अभी तक डोज लगी है, जिसमें से कि सेकेंड डोज 94 करोड़ को लगनी थी, 10 करोड़ लोगों को अभी सेकेंड डोज नहीं लगी है, 37 करोड़ लोगों को मात्र एक डोज अभी नहीं लगी है, तो टोटल 57 करोड़ हो गया। अब मोदी जी ने कहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 साल से ज्यादा को और 15 से 18 साल के लोगों को लगेगी। सब कुछ मिलाकर हमें टोटल डोज चाहिए 93 करोड़, मोटा मोटा आपको बता रही हूं, 92 करोड़ 70 लाख है, उसको मोटा मोटा 92 करोड़ कर लीजिए या 93 करोड़ कर लीजिए। हमारे पास कितनी डोज है? 17 करोड़। हम बना कितनी सकते हैं हर महीने? ज्यादा से ज्यादा 16.5 करोड़। क्या विदेश से तीसरी डोज आ रही है? जी नहीं। क्या एफिडेविट में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था? हाँ कहा था कि भारत बायोटेक 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए और जाइडस कैडिला 12 से 18 वर्ष। आप कह रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया, आप कह रही है कि वैक्सीनेशन कमजोर है, लेकिन दुनिया हमारी वैक्सीनेशन की तारीफ कर रही है। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता नहीं है कि सिर्फ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ भाजपा की रैलियों में कोविड हो रहा है, सपा की रैलियों में कोविड नहीं होगा, कांग्रेस की रैली में कोविड नहीं होगा? क्योंकि बंगाल के चुनाव में हमने देखा ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी, ममता बनर्जी के भी रोड शो हो रहे थे, लेकिन ब्लेम सारा नरेंद्र मोदी पर था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रैली क्यों करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से 100% दूर है? जवाब सुप्रिया जी। अमीश जी, देखिए ये तो लफाजी हो गई कहना कि देश दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। हम दुनिया के 19वें नंबर पर है वैक्सीनेशन में, जबकि हम वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पहली चीज मैं फिर से बोलूंगी, 93 करोड़ डोज चाहिए, डोज केवल 17 करोड़ है, इस महीने भी सिर्फ 16.5 करोड़ डोज ही आ पाएंगी हमारे पास। दुनिया 2 से 2 उम्र के ऊपर के बच्चों को लगा रही है, हम 15 से लगा रहे हैं, जबकि हमने एफिडेविट में कहा था कि हम 31 दिसंबर तक 94 करोड़ दोनों डोज लगा देंगे। ये लफाजी है, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि हम 12 से 18 को लगाएंगे। तो मुझे ये बताइए उसके बारे में क्या तैयारी है? मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमीश भाई, मैं तो बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मैं शांति से बोल रही हूँ, इनके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप अगर मुझे सिंगल फ्रेम में ले लें तो मैं आराम से बात कर लूंगा। आप अपनी बात करिए। देखिए अमीश भाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस हिंदुस्तान की तारीफ करेगी? कभी कहेगी कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा वैक्सीनेशन किया? कभी वो हिंदुस्तान की तारीफ करेगी? अरे पाकिस्तान के सामने
जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाब देते थे वो क्या हिंदुस्तान की तारीफ वैक्सीनेशन पे करेंगे। 146 करोड़ वैक्सीनेशन हमने कर लिया है। आज 15 से 18 साल की एज के सभी नवयुवकों को वैक्सीन लग रहा है। मैं तो आपके टीवी के माध्यम से इस 10 सेकंड का भी इस्तेमाल करूंगा अपील करने के लिए युवकों से कि वो भी जाके वैक्सीनेशन। मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि रात को तो नाइट कर्फ्यू है पब्लिक के लिए लेकिन दिन में रैली का रेला है। मैं जवाब दे रहा हूँ अमीश भाई यहाँ बैठे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, अगर कल को ये निर्णय हो जाए कि चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, ये जाके अमेरिका तक में हाय हाय रुदाली बन के रोएंगे सारे कि अरे मोदी जी ने तो संविधान का डिस्ट्रक्ट की हत्या कर दी, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया है, फलाना ढिकड़ा, मतलब हाय हाय मच जाएगी। मतलब जित भी मेरा पटवी चुनाव कराओ तो चुनाव क्यों कराया, चुनाव स्थगित कर दो तो चुनाव। ठीक है, जवाब जवाब बिहार के चुनाव सुनिए ना, बिहार के चुनाव के समय आप याद करिए इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टी से कहा था कि आप निर्णय लीजिए। हो गया फेंक दिया, लपेट दिया, हमने लपेट दिया। ये सभी क्या भाषा दिया पात्रा जी, कम कर रहा है, ये तो तथ्य है ना, ये तो तथ्य है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोला कि चुनाव होने चाहिए, बोला नहीं बोला इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसमें लपेटने वाली बात क्या है? ये कैसे शब्द बोलोगे तो कैसे बोलेंगे? हो गया, जवाब बोलने तो दो। कांग्रेस की प्रवक्ता क्या, तो और क्या, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो, निवेदन को स्वीकार करा जाए। अनुराग भदौरिया, धन शिवम त्यागी। अरे उनको उनको रोको भाई, संबित को रोको, उनकी ट्रेन चल पड़ी है। अरे बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं, कहा बुलेट ट्रेन, मत करो आपने बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह बात करो पहले बताओ बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं, वैक्सीन लगा रखी है कि नहीं लगा रखी, झूठ बोला था, पहले लाओ बुलेट ट्रेन लाओ, काहे को चिल्ला रहे हो? जवाब दे रहे हैं आप, शांत रहिए ना संबित, एक सेकंड अनुराग, आपने वैक्सीन लगा रखी है नहीं लगा रखी? देखिए भारतीय, अरे भैया क्यों नहीं वैक्सीन लाएगी, वैक्सीन तो यहाँ साइंटिस्ट की बनी वैक्सीन है, तो झूठे बता रहे हमने बनाई है, इनको वैक्सीन बनानी आती है? पूछ लीजिए जरा, पूछे बीजेपी के नेता को आती है क्या? योगी जी बनाते हैं क्या वैक्सीन? योगी जी को आती है वैक्सीन? चलो नहीं आती, योगी जी को वैक्सीन बनानी आती है क्या? या संबित आपको आती है वैक्सीन बनाना? झूठे ही कहानी बताए घूमते हो, वैक्सीन 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 साइंटिस्ट बनाते हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट बनाई, आप अपने ऊपर लिए घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नेता भी वैक्सीन लिखने को बोलेंगे, लिख तो पाएंगे नहीं वैक्सीन, बोलेंगे हमने हम वैक्सीन भाजपा की कब से आ गई? कांग्रेचुलेशन। अच्छा अरे थैंक यू तो बोल दो। अच्छा कोई बीजेपी की नहीं वैक्सीन, सुन लीजिए फर्जी मत बोलिए, ये देश की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, राष्ट्रों ने विज्ञान आप बोल रहे हैं कि मैंने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली। ठीक है ओके, शिवम 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 त्यागी, एक सेकंड, सब लगातार ना बोले, शिवम त्यागी, अब तो सपा ने भी वैक्सीन ले ली है जी, जो कह रहे थे हम अपनी सरकार में लेंगे आके वैक्सीन। बहुत शानदार बात है, लेकिन लेकिन मुझे 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 अपने आप में ही मतलब खुद में अजीब लगता है कि कैसी कैसी बातें करते हैं। सुप्रिया जी क्या कहती हैं आप, किस देश में रहते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वी आर 140 करोड़ पीपल। अगर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स 32 करोड़ का देश बूस्टर भी पूरे लगा देना तो 100 करोड़ के बराबर नहीं बैठता है। कहां से कंपैरिजन करते हैं, एक जमाने में 50 लाख के न्यूजीलैंड से कंपैरिजन करते थे, अभी पिछले दिनों इसराइल के 90 लाख के बूस्टर डोज से। इतने लोग आपके एक मोहल्ले में रहते होंगे, मैं कहता हूं जब तक 140 करोड़ वैक्सीन नहीं लग जाती संबित जी की पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन इस सरकार ने और इस देश ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई है, और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स का। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में वक्त है अब निष्कर्ष का। लेकिन आज मैंने कई खबरों पे बात करी, तीन खबरों पे लगभग बात करी, लेकिन निष्कर्ष पे यही बोलूंगा कि रात को तो नाइट कर्फ्यू है, रात्रि का कर्फ्यू है आप लोगों के लिए, लेकिन सुबह रैली का रेला है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है जी, सब पॉलिटिकल पार्टियां इसमें एक साथ खड़ी हैं, उन्हें लगता नहीं है कि चुनावों को टालना चाहिए, लेकिन जब चुनाव होंगे और कोरोना फैल जाएगा कि बोलेंगी हाय हम सब तो रोक रहे थे लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। जब आप इनसे रोकने के लिए पूछा गया तो सपने चुप्पी साध ली, ये सत्य है, और ये सत्य को मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, इसलिए
आर पार सबसे ज्यादा देखा जाता है। नमस्कार।